फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन की बिटकॉइन से होने वाली 650 करोड़ रुपए की कमाई आधी रह गई है। इसकी वजह है बिटकॉइन कीमतों में आई भारी गिरावट है। बच्चन परिवार ने 2.5 साल पहले मेरिडियन में लगभग 1.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अमिताभ बच्चन ने लंबे समय से भारत की छोटी सी लिस्टेड कंपनी स्टैम्पेड के शेयर होल्डर हैं। इसके प्रमोटर ने हाल में अमेरिका में एक कंपनी लॉन्गफिन को लिस्ट कराया है, जिसके स्टॉक्स में 2 दिन के भीतर 2500% की तेजी दर्ज की गई। अमेरिका की इस कंपनी ने हाल में सिंगापुर की एक कंपनी JIDDOO.com का अधिग्रहण किया था, जिसमें भी बच्चन की इनडायरेक्ट होल्डिंग थी। इन डील्स और क्रॉस होल्डिंग के क्रम में एक समय बिग बी की होल्डिंग की वैल्यू लगभग 910 करोड़ थी। मई 2015 में बच्चन परिवार ने जब मेरिडियन में निवेश किया था तो जिदू क्लाउड स्टोरेज और ई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप थी। दिसंबर 2017 में इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बताया गया, जो विभिन्न महादेशों की क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल करते हुए माइक्रो फाइनेंस मुहैया कराती है। अमिताभ का निवेश RBI की ओर से अधिकृत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत हुआ था। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जादुई शब्दों के कारण लॉन्गफिन का शेयर पहले 1000% से ज्यादा चढ़ गया और शुक्रवार को तो जब JIDDOO.com को खरीदने की डील का ऐलान हुआ तो शेयर 2500% से ज्यादा चढ़ गया। खबरों के मुताबिक मेरिडियन टेक में अपनी होल्डिंग के बदले बच्चन पिता पुत्र को एसेट की खरीदारी के बाद लॉन्गफिन के 2,50,000 शेयर मिले। पिछले सोमवार को लॉन्गफिन की स्टॉक प्राइस $70 थी। जिदू वेयरहाउस माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। कंपनी क्रिप्टोकरेंसी के जरिए छोटी कंपनियों को फाइनेंस करने का काम करती है। इसके शेयर में बड़ी दिलचस्पी की वजह जिदू वेयरहाउस कॉइन है, जिसे कंपनी ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया है।